क्या नाम हो आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, कौन सा पंचायत है? महादेव सिमरिया पंचायत है। क्या समस्या है? बड़ा समस्या बताइए अपने पंचायत। बड़ा समस्या सबसे बड़ा चीज है कि हाँ, जब से जल नल योजना चालू हुआ है जी जी, तो हमारे पंचायत में 14 नंबर वार्ड है, PHD से वो जल भंडार बना है जी। आज तक एक ठो किसी को नसीब नहीं हुआ एक बूंद, जब से जल नल योजना पानी। क्यों? आखिर इसका दोषी कौन है, किसके कारण? दोषी अब किसको कहा जाए, पदाधिकारी कहा जाए या किसको कहा जाए? पदाधिकारी आते हैं आपके पंचायत में? कोई ना, बार बार कई बार शिकायत देख के चला जाता है। पदाधिकारी आते हैं आपके वार्ड में? पदाधिकारी आते हैं, देखते हैं, अपना लेखा जोखा बनाए चले जाते हैं, कोई काम नहीं होता है। नहीं नहीं काम होता है, बट जो नल जल वाला जो पानी का समस्या है, उसमें पानी ही नहीं है तो नहीं हो पा रहा है, पानी की समस्या दूर नहीं हो पा रहा है। नहीं, आप क्या कहें, कौन सी समस्या है सबसे ज्यादा आपके पंचायत में? सबसे ज्यादा तो पानी का ही है सर, इस गर्मी में जी पानी का समस्या है। मुखिया जी से बात किए हैं? जी बात किए हैं। मुखिया जी क्या बोले? ये तो लिख पढ़ कर देते हैं, फिर आते हैं, फिर बोलता है सुधार होगा, फिर फोटो वोटो खिंचा के चले जाते हैं। किसका गलती है ये तो? मुखिया जी गलती है कि पदाधिकारी? मुखिया जी तो अपने तरफ से देते हैं, पदाधिकारी का गलती है। पदाधिकारी गलती है, पदाधिकारी सुनते नहीं है जी। अच्छा, सबसे बड़ा गलती PHD विभाग का है, ये अच्छा। PHD विभाग से बना है। अच्छा, जिसमें PHD से ही बोरिंग हो रहा था उसमें हमने बोला था कि इसमें पानी नहीं है, तो बोला कि बल बोरिंग होने दीजिए, मशीन लगने दीजिए। कौन बोला बोरिंग होने दीजिए? बोला ठेकेदार, बोला PHD का ऑफिसर। अच्छा, समझे कि नहीं? जिसका जो ओवरसियर था, इंजीनियर था, वो बोला। अच्छा, उसके सामने हमारे साथ बात हुई। अच्छा, वो बोले कि कहा कि बल अभी बल बोरिंग बल होगा तब ना पानी होगा। अच्छा, कल रात भर बोरिंग हुआ, उसमें पानी नहीं, एको बूंद हुआ। अच्छा, काला पानी कहाँ झोंक लग दीजिएगा उसको? उसमें बनाइएगा पानी आप, उसमें पानी है ये नहीं है। अच्छा, उसमें रात भर में जो है जब तक 500 फीट बोरिंग हुआ, मतलब कोई पदाधिकारी सुन नहीं रहे। 500 फीट बोरिंग जब हुआ ना, तो 5 गेड़ारी जो है क्यारी उसमें पानी नहीं भींगा है, और उसमें उसको मना हम किए थे, उसमें वो नहीं माने, बाजेवरसी जो वो लोग जो है मशीन लगा दिया उसमें। अच्छा, और आज तक पानी किसी को नसीब नहीं हो रहा है। नसीब कहाँ से होगा, पानी है ही नहीं बोरिंग में। नहीं तो कोई पदाधिकारी आता है, लौट के चला जाता है, घूम के चला जाता है। मुखिया जी क्या करेंगे बेचारे? मुखिया जी विभाग का चीज तो है भी नहीं। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम महादेव सिमरिया पंचायत में हैं, जो कि सिकंदरा प्रखंड में पड़ता है, और हमारे साथ हैं विनोद कुमार जी, जो कि यहां के वर्तमान मुखिया है। क्या कुछ बीते 15 से 16 महीनों में अभी तक विकास का काम इन्होंने किया है, अभी हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क का बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी। आपको भी धन्यवाद है। बीते 15 से 16 महीने में क्या कुछ पहला विकास का काम किए थे अपने पंचायत में? अभी तक तो हमने 1500 फीट लगभग नाला बनाए हैं, 1200 फीट अपने PCC कराए हैं, 10-12 को कुआं का रिपेयरिंग करवाए हैं, और गली और नली का जो है ये सब काम हुआ है। यही है। मतलब कितना फीट नली गली की हम बात करेंगे, कितना फीट अभी आप नली गली बनवाए हैं अपने यहाँ? नाली जो है हम लोग 1200 से 1500 फीट तक के आसपास में है, रोड का जो PCC किए हैं 1200 फीट तक किए हैं। 1200 फीट अभी आपने करवा दिया है, और भी जो क्षेत्र होंगे और भी वार्ड होंगे आपके, वो ऐसे जगहों पर के लिए क्या कुछ सोचे हुए हैं विकास के लिए? जितना सरकार का जो आवंटन है उसी हिसाब से हम लोग करेंगे व्यवस्था, हम लोग व्यक्तिगत कुछ कर नहीं पाएंगे, जो आवंटन है उसी में करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी महत्वपूर्ण योजना है, उसमें आप अभी तक कितना लोगों को इसका लाभ दिलवा चुके हैं, कितना टारगेट था आपका? टारगेट हम लोगों को 150 था, उसमें से अभी तक हम लोग 65 कर पाए हैं, सिर्फ राशि नहीं रहने के कारण से 6 महीने से अवरुद्ध है। मतलब राशि नहीं रहने के कारण से लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए आप क्या कुछ सरकार से अपील करना चाहेंगे? हम लोग प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर बात किए हैं, बोले कि आवंटन आएगा मार्च के बाद, क्लोजिंग होने के बाद मार्च आवंटन आएगा, थी नया थी आवंटन उसमें से किया जाएगा, तो अभी तक तो कोई सुनवाई है नहीं। कोई आवेदन वगैरह कुछ दिए हैं कहीं? नहीं नहीं, मौखिक रूप से बात किए हैं। मौखिक रूप से बात किए हैं। नल जल योजना भी एक महत्वपूर्ण योजना है, जिससे कि हर घर में नल जल का टोटी पहुँच पाता है। आपके यहाँ कितना, मतलब क्या ऐसे क्षेत्र है जहाँ अभी तक नल जल नहीं पहुँच पाए? क्योंकि हमारे यहाँ पंचायत से पूर्व मुखिया जो हम लोग के रहे हैं, उनसे सारे पंचायत में सभी जगह किए थे, PHD से हैं 12-13 हैं, और 2 पंचायत से हैं। पंचायत का जो है दोनों सुचारू रूप से भी चल रहा है, अभी उसमें हम लोगों की भी खर्च करना, जो PHD से होता है उसमें हम लोग खर्च नहीं कर सकते, PHD को बोल सकते हैं, लेकिन बोलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कहाँ पे आप बोलते हैं जहाँ से कार्रवाई रुक जाती है? SDO को बोलना होता है, और कहाँ बोलेंगे हम लोग, JEE SDO को बोल सकते हैं, उसको बोले हैं, मतलब कोई सुनवाई नहीं,
कोई सुनवाई नहीं, बार बार बोलता है कि कार्रवाई होगी, बार बार आता है रिपोर्ट करके ले जाता है, हम लोग रिपोर्ट बनवा के देते हैं, साथ में घुमा करके दिखवाते हैं, फिर भी नहीं कार्रवाई हो पाती। फिर भी पदाधिकारी SDO जो पदाधिकारी हैं आपके बातों को अवहेलना कर करके जनता को इसमें कहीं ना कहीं डाल रहे हैं, धूल झोंक रहे हैं। तो आप तो कहीं ना कहीं जनता आपको गलत समझेगी ना, क्योंकि पंचायत के आप मुखिया हैं, प्रतिनिधि हैं। तो पंचायत के मुखिया क्या कर सकते हैं, उतना तो सक्षम है नहीं, जो बाकी हम लोग के पास जो आवंटन है उसी में करना है, जो PhD का है हम लोग तो कह ही नहीं सकते। हम जनता की आवाज़ को आप उठाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पदाधिकारी जो होते हैं दबा दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या कुछ रणनीति बना के किस तरह से काम करेंगे? बोले ना कि जितना अथी है हम लोग का, जो विभागीय अथी है, मैंने जो निर्देश आता है गाइडलाइन में, हम लोग को तो कुछ चलना है नहीं। अब सरकार की सारी चीज़ चलती है, हम लोग को दिन प्रतिदिन कटौती करते जा रहा है, ये तो स्थिति है। अच्छा, आपके ब्लॉक में आपके प्रखंड लेवल के जितने भी हैं जो ब्लॉक में वहाँ रहते हैं और भी जितने भी हैं कुछ होंगे दलाल बिचौलिए, क्या आपके यहाँ मतलब कि घुसखोरी वगैरह चलता है क्या आपके यहाँ? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना हो गए पास कराने के नाम पर के जनता से कुछ पैसा वसूलने? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है आपके यहाँ, मतलब इस तरह की समस्या नहीं? इस तरह की समस्या नहीं अभी फिलहाल अभी नहीं है। स्वास्थ्य शिक्षा पे अभी आप कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है, सरकार इस पे करोड़ों रुपए खर्च कर रही है शिक्षा पे। देखिए हम शिक्षा लोग में हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम लोग निर्वहन करते हैं कि हर स्कूल में जा करके देख रेख करना होता है, अपना जो गाइडलाइन होता है उससे देते हैं। शिक्षक की उपस्थिति होती है? बिल्कुल है, देखते हैं मतलब जा करके देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बराबर विजिट करते हैं। शिक्षक आते हैं समय? हर महीने में 2-3 बार कम से कम हर स्कूल में एंट्री कर देते हैं। बच्चों को मिड डे मील का भोजन सही से मिल पाता है? यथासंभव मिलता ही है जहाँ तक है। राशन कार्ड कितना बना है आपके पंचायत में? पहले से ही बना, बीच में अभी ऑनलाइन का सिस्टम हो गया तो हम लोग का उससे में कोई वास्ता रहा नहीं, लेकिन हम लोग प्रेरित करते हैं, लोग को जागरूक करते हैं कि राशन कार्ड बन रहा है, बनाइए नया नया जो सुविधा है। किस समस्या सुनने को मिलती है आमतौर पर, ग्रामीण शिकायत करते हैं, क्या लग रहा है आपके यहाँ इस तरह की समस्या है क्या किसी? डीलर की मनमानी, कम वजन कम देने के लेकर के, ये तो निरंतर चलता आ रहा है। समस्या आपके यहाँ आती है? बिल्कुल है, बिल्कुल आती है। इसके लिए आप मतलब कि संविधान निकालते हैं? बिल्कुल, एक बार ADM साहब आए थे, हम उनको सब के लिए कि पंचायत में विजिट करेंगे, तो हम कहे विजिट करना है सर, तो सबसे पहले डीलर साहब को विजिट कीजिए जो कि कम राशन देते हैं, और करवाए भी उनसे। आप शिकायत करते हैं? बिल्कुल। कार्रवाई नहीं होती है? नहीं, कार्रवाई हुई थी, उसमें बीच में कुछ सुधार आया है, तो फिर वही स्थिति में आ जाता है पुनः। मतलब कुछ दिन तक रहता है, जांच होता है तो कुछ दिन तक रहता है, फिर उसके बाद निरंतर चलता रहता है। ये सारे समस्याओं को रोकने के लिए आप क्या किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि जनता आपको लगभग 3 साल का कार्यकाल और है बचा हुआ है, तो जनता को आप कैसे काम करके दिखाएं कि हम भी पंचायत का विकास कर रहे हैं? देखिए जो हम लोग से बन पाता, हम लोग तो किसी को बर्खास्त न कर सकते हैं, ना किसी को ज्वाइनिंग करा सकते हैं, हम लोग का एक माध्यम है उसका बात रखने के लिए, पटल पर हम लोग बात रखने का हर हमेशा प्रयास करते हैं और रखते भी हैं। चलिए, ये थे महादेव सिमरिया पंचायत के मुखिया विनोद कुमार जी, जिन्होंने अपने पंचायत को विकास को लेकर के कई सारी बातों को बखूबी रखा। सहयोगी नीरज के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।